2021. तो यस माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज एनीबॉडी कोई पहले पढ़कर गया है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई था तो अगर कोई के भाई कोई के बहन अंकल आंटी कोई भी कोई नहीं एनीवन क्योंकि मकवाना सरनेम के बहुत लोग रिलेवल में पढ़ के गए हैं अंसारी सरनेम के पढ़ के गए हैं बट जो भी चलो कोई दिक्कत नहीं अच्छी बात है अब आगे सुनो ये बात तो पक्की हो गई कि आपने SYJC में रेगुलर बैच में एडमिशन लिया है तो पहले कुछ बातें मैं यहां लिखता हूं फिर इकोनॉमिक्स पे आगे बढ़ूंगा SYJC रेगुलर बैच है ये जो अभी हमारा बैच है ये है SYJC रेगुलर बैच हमारे जूम पर अभी लेक्चर्स होंगे जब तक ये लॉकडाउन या लॉकडाउन क्या बोलो जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे देती कि हाँ भाई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट शर्त रखेगी हम एक्सेप्ट करेंगे अगर गवर्नमेंट बोलेगी कम स्टूडेंट बिताओ बैच में कम बिठाएंगे बट एक बार चालू हो जाए वो प्रॉब्लम नहीं है टचवुड अपने पास काफी क्लासरूम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है अपना कभी आप अगर शांति शॉपिंग सेंटर आओगे तो 15 से ज्यादा क्लासरूम रिलायबल के खुद के हैं 15 से ज्यादा क्लासरूम रिलायबल के खुद के हैं राइट विद ऑल एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी एंड ऑल अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल तो अब मैं ये बात कर रहा था कि रेगुलर बैच आपने ज्वाइन कर लिया है चलो वेलकम वन एंड ऑल वेलकम एवरीवन पहले आप मुझे बताओगे कि SYJC में सब्जेक्ट्स कौन से हैं शॉर्ट में पूछना चाहूंगा BK है इको है मैथ्स पहले मैं कंपलसरी सब्जेक्ट लेता हूं OC है इंग्लिश है सबको पता है इन सब्जेक्ट में तो कोई ऑप्शन नहीं है ये चारों सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी है बराबर है अब ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करते हैं आप या तो मैथ्स ले लो या SP ले लो आप या तो हिंदी ले लो या तो आप IT ले लो या फ्रेंच ले लो या कुछ और जो भी अगर कॉलेज में है तो वो ले लो तो ये मेन सब 6 सब्जेक्ट जो है अपने हो जाते हैं मुझे एक बात पूछनी थी अपने में से मैथ स्टूडेंट कौन है यस लिख के जरा दे दें कमेंट बॉक्स में मैथ स्टूडेंट कौन है मैथ स्टूडेंट अपने जो 10-12 लोग हैं रुति इज मैथ स्टूडेंट पार्थ इज मैथ स्टूडेंट अनम इज मैथ स्टूडेंट कृष्णा इज मैथ स्टूडेंट वेरी गुड सोफी इज ऑल्सो मैथ स्टूडेंट जश इज मैथ स्टूडेंट सभी मैथ स्टूडेंट है क्या भैया मेरे को ये पूछना था कौन नहीं है चलो ठीक है मेजोरिटी है वैसे देखिए मैथ्स आपने लिया है ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन जो SP स्टूडेंट है जरा मुझे यस सर लिख के बताएं यस लिख के बताएं SP स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि तुम एक्टिव रहो नहीं तो क्या होगा लेक्चर में तुम नींद में चले जाओगे क्योंकि भाई मैं जानता हूं कि सुबह 7 बजे का लेक्चर इतना आसान नहीं है स्पेशली इनिशियल कुछ दिन आपको कुछ तकलीफ रहेगी SP स्टूडेंट कौन है लिखो SP स्टूडेंट क्लैरिसा यू आर SP स्टूडेंट SP लिख दो SP सब यस लिखेंगे तो मुझे लगेगा आप भी मैथ्स के हो कैशा इज SP क्लैरिसा इज SP टू ऑफ योर ओके फाइन 2-3 स्टूडेंट्स आर SP स्टूडेंट ओके फाइन सी आई myself was a SP स्टूडेंट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम जो कभी मैं बताऊंगा अलग से एंड बट आई देन joined CA एंड आई cleared द levels विथ my hard work एंड sincerity एंड डेडिकेशन तो SP स्टूडेंट आप लोग टेंशन लेने का नहीं ऐसी कोई बात नहीं अफकोर्स SP से भी हम आगे CA वगैरह कर सकते हैं थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अच्छा तो मैथ्स या SP जो है वो है यहाँ पर हिंदी IT फ्रेंच ऑप्शन आपको मालूम है अब मुझे पता नहीं कि 12th का कॉलेज एग्जाम आपने भर दिया कि नहीं कॉलेज ने अगर आपसे एडमिशन कॉलेज में हो गया कि नहीं लेकिन अगर आपका नहीं हुआ या होगा तो पहले आप IT ट्राई करें अगर IT मिल जाए तो बहुत अच्छा है IT नहीं मिला तो हिंदी अगर किसी ने जिंदगी में फ्रेंच पढ़ा था तो वो फ्रेंच ही सिलेक्ट करें फ्रेंच सबसे 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 ज्यादा स्कोरिंग है एनीवन फ्रेंच स्टूडेंट अपने में से अगर कोई ने फ्रेंच लिया है तो कोई नहीं फ्रेंच चलो कोई बात नहीं फ्रेंच नहीं तो IT ट्राई करें IT नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हिंदी है जो भी है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए नाउ रिलायबल क्लासेस सबकी कोचिंग देता है इस बारे में कोई शक नहीं आपको आगे कोई सब्जेक्ट एड ऑन करना है तो ऐड कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है मैडम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर आपको मालूम है ग्रुप में एडेड है कोई भी कुछ भी डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम हो बिंदास फोन कर लेगा मिस इज रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम मॉर्निंग 7 o'clock से रात की 9 बजे तक एनी टाइम यू कॉल नो प्रॉब्लम अच्छा तो मैं कह रहा था BK मैथ्स इको ये तो अपनी जगह मेन सब्जेक्ट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट मेन नहीं है
हिंदी फ्रेंच आर ऑल्सो नॉट दैट सिंपल, सिंपल नहीं हो. एंड आई रिपीट अगेन द सिलेबस हैज चेंज एंड इट हैज चेंज हॉरिबली. हॉरिबली मतलब जबरदस्त चेंज हुआ. सो यू कैन एड ऑन द सब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट नाउ और एट अ लेटर डेट, वो आप बात कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, रेगुलर अटेंडेंस होगा, वो सब आपको मालूम है. टेस्ट सीरीज होगी और डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं. लाइब्रेरी फैसिलिटी है अपनी क्लासेस में. तो वी आर रेडी विद एवरीथिंग. बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है. टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू, नो डाउट. जैसे अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ क्लासेस मुझे कोई के नाम नहीं लेने, रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा देते कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लो. बट नो, फॉर रेगुलर बैच वी स्टार्टेड वेकेशन में भी लाइव लेक्चर. ना तो रिकॉर्डिंग लेक्चर है मेरा ईपो का, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं पूरा रिकॉर्डिंग है. बट नो, लाइव लेक्चर आपको हम जो है देंगे, क्योंकि वो हमारा फर्ज है. तो लाइव लेक्चर अपने होंगे ताकि डाउट सॉल्विंग वगैरह सब ऑनलाइन रियल टाइम में हो सके. इसको ऑनलाइन रियल टाइम बोलते हैं. रियल टाइम की बात अलग होती है. चलो ठीक है, ये बात भी हो गई. अब आगे की बात करते हैं. तो भाई साहब या दीदी, आपने जो है ये सब्जेक्ट्स लिए हैं या सिलेक्ट किए हैं. अब मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा. आपको ये सब 100 मार्क्स के हैं, ये है वो है. पहले मैं आज मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ. तो चलो ये सब बातें हो गई, तो इन सब बातों को अभी मैं हटा रहा हूँ. अब ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, तो मैं यहीं लिख रहा हूँ. चलो ठीक है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपने कॉमर्स ज्वाइन किया, रिलायबल ज्वाइन किया, ये सब बातें हो गई. आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, आगे ऐड कर सकते हैं. स्टेशनरी वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी रिलायबल की तरफ से. जो स्टेशनरी एज पर फीस जो आपका हक बनता है, वो सब आपको मिलेगा. वो सब काम हम लोगों का चालू है. बुक्स प्रिंटिंग में ऑलरेडी डाल दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है. अच्छा, आगे की बात करते हैं. नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट एज फार एज वी हैव कम टूडे फॉर द लेक्चर. ओ माई गॉड, इकोनॉमिक्स. यस, why did I said oh my god, omg? Because this subject is not a easy subject. Yes, pehle main hamare is subject ki baat karunga. Jaise maine kaha, mujhe lagbhag 25 saal ho jayenge isko padhate hue. Aaj 24th saal regular batch ka ye mera start hua hai. 24 saal pehle jab maine first batch start kiya tha, there was 6 students, and har saal abhi currently 400 plus 500 के आसपास स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं. ऑलरेडी 200 प्लस तो वेकेशन बैच में, और अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स आएंगे. बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये धीरे धीरे थोड़ा फास्ट होना चाहिए, यार वेरी स्लो. तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ है. आप फोन तो करो, बात तो करो. तो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू कॉन्टेक्ट सुन. अब ध्यान से सुनो भाई, ये सब्जेक्ट की बात करते हैं. बीके मैथ सब अपनी जगह, इकोनॉमिक्स अपनी जगह. आपने 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं. मोर देन 300 स्टूडेंट्स लगभग FYJC में रिलायबल में पढ़ के गए. वी वुड हैड 4 बैचेस, 3 मॉर्निंग बैच, 1 इवनिंग बैच, एज फार एज 11th वाज कंसर्न. बट आपने 11th में क्लास की थी या नहीं की थी, रिलायबल में की थी कि अदर कहाँ की थी, वो सब बात हम नहीं करते. हम तो अभी की बात करते हैं 12th का क्या करना है. सो 12th स्टैंडर्ड में आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ गए हो. और अब मैं आगे की बात करता हूँ. पहली बात, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस हॉरिबली चेंज हुआ है. आई एम यूजिंग द वर्ड हॉरिबली बिकॉज इट हैज चेंज, यू कैन से ड्रास्टिकली. ड्रास्टिकली मीन्स बहुत. पहले मैं वही बात करता हूं, एक्सक्यूज मी. द महाराष्ट्र बोर्ड जो सिलेबस सेट करती है, हैव चेंज द सिलेबस हेल ऑफ अ लॉट. करीब 4-5 पूरे नए टॉपिक डाले गए हैं, कुछ पुराने निकाले गए हैं. जैसे मनी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पहले 12th में था, अभी आपने 11th में पढ़ा था लास्ट ईयर. कुछ नए टॉपिक डाले गए हैं 4-5, जैसे मैंने कहा. और सिलेबस बहुत जबरदस्त चेंज हुआ है. और मैं एक बात बोलूंगा, एक हाई लेवल पे चेंज हुआ है. आप बोलेंगे मुझे कैसे मालूम. ऑफकोर्स मैं 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, वो अपनी बात जगह है. मार्च मंथ में ही हमारे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं हमारे सर के, तो हम लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड का पीडीएफ कॉपी मंगवा लिया. पीडीएफ कॉपी ऑफ द न्यू सिलेबस जो मार्केट में किसी के पास नहीं था. फिर हमने हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर किया, वसई, विरार, भाईंदर, कई क्लासेस वाले हमारे दोस्त हैं, नो डाउट वी आर फ्रेंड्स. तो दैट
टेक्स्ट बुक के, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मैंने उस पर रिसर्च किया, आई केम टू नो न्यू टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, पुरानी टॉपिक में कुछ चेंजेस हुए हैं, बिकॉज भाई सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी चलेगा, हमको तो सिलेबस से पढ़ाना पड़ेगा। बट द पॉइंट वॉज कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बारे में बात बोल रहा हूँ, पहले मैं टेक्स्ट बुक की बात करता हूँ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट ने बनाई है न्यू सिलेबस की, उसके बारे में पहले मैं दो शब्द बोलता हूँ। न्यू सिलेबस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इश्यू हुई है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ कमियां हैं, कमियां मीन्स सर्टन यू कैन से नॉट परफेक्ट एग्जैक्टली, आई मीन टू से देर आर सम things which are missing actually. There are some things which are not complete in all respects. The explanation many places is not proper. The distinguishes are not given. The agree-disagree has not been explained. The objectives are not sufficient. The answers are too complex and mechanical to understand at various places. There is no question-answer proper format. That is the problem of the government textbook. Yes, no distinguish. No agree disagree. Less objectives. No question answer pattern. No clear explanation. Less examples. This is the problem of government textbook. Unka to kaam hai banaya, chapa, becha. Unko kya? तो उसमें ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ लैग हो रहा था, लैग समझते हैं, कुछ लैग एलएसी के लैग, देयर वाज मिसिंग। एंड डेफिनेटली अगर आप क्लासेस आए हो तो क्लासेस का फर्ज है कि आपको बेटर भी नहीं बेस्ट मटेरियल दें। देखो मैं एक एग्जांपल बोलूंगा, स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल। एक बंदा जब कुछ भी पढ़ता है तो सबसे पहली चीज होती है स्टडी मटेरियल। अगर उसका स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है तो वो बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले वो कमियां उसके मार्क्स छीन ले जाएगी। Those things which lack is going to affect your marks. Like आपने टेंट बोर्ड दिया है तो what you wanted the best. तो स्टडी मटेरियल हैज टू बी बेटर। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मॉम इज अ गुड कुक, अच्छी बात है, बट इफ मॉम इज गिविंग सड़ी हुई भाजी, सड़े हुए मसाले, सड़ा हुआ तेल, तो मॉम भी अच्छा नहीं पका पाएगी, वो कमी रह जाएगी खाने में। तो मैं एज अ टीचर हमेशा मानता हूँ, करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, जो स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी होता है। तो जब मार्च में मेरे पास ये बुक आई तो मैं रोज 3-4-5 घंटे बैठा करता था और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि सिलेबस तो हमारा वही है, आई मेड अपने रिलायबल क्लासेस की पूरी नई बुक। यस, पूरी नई मतलब बहुत सारी चेंजेस है। I made the full new book. It goes more than 200 pages, approximately 200 pages के आसपास आता है। And वो book मैंने ready की। Ready करने के बाद हमने उसको अभी printing में डाल दी है। कुछ दिनों में वो हमारे हाथ में hard copy भी आ जाएगी। Soft copy तो मैं आपके साथ PDF पूरी book तो नहीं share कर सकता, copyright है हमारा। जैसे topic पढ़ाऊंगा एक एक topic PDF आपको group पे डालूंगा मैं, और 3-4 दिन या 5 दिन में तो अपनी बुक भी आ जाएगी। तो चिंता क्यों कर रहे हो, प्रिंटिंग में नहीं अपनी बुक। तो जब हार्ड कॉपी आ जाएगी हम लोग आपको कॉल करेंगे, आप या घर का कोई स्टेशन से कलेक्ट कर सकता है। अपना ऑफिस आपको मालूम है शांति शॉपिंग सेंटर में, और अभी सब खुल भी गया है लगभग। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मिस को कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात रही बुक की, वी हैव मेड अ बुक जो ये सब नो को यस कर देगी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश नहीं दिए हैं या बहुत कम दिए हैं। मैंने कम से कम 25 या 30 से ज्यादा डिस्टिंग्विश पूरी बुक में कवर किए हैं। एग्री डिसएग्री नहीं दिया है मैंने 25-30, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा एग्री डिसएग्री करीब 50 के आसपास अपनी बुक में लिए हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, मैंने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव तो लिए ही है, साथ में अलग से ऑब्जेक्टिव भी डाले हैं। क्वेश्चन आंसर पैटर्न है ही नहीं, बंदा समझेगा कैसे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। मैंने हर आंसर क्वेश्चन आंसर पैटर्न में लिखा है, मैं खुद ऑथर हूं उसका। यहां पे हम लोग सॉरी
क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत जगह इकोनॉमिक्स में क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नहीं है भाई, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया खत्म किया, रॉन्ग, मैंने दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन डाला है, एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है, मैंने हर एक के लिए हर जगह पर एग्जाम्पल डाला है, तो जो नहीं है उसको हमने हाँ किया है। तो रिलायबल क्लासेस के जहां तक मेरा सवाल है, कोई बड़ाई की बात नहीं है, विथ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव मेड अ परफेक्ट स्टडी मटेरियल फॉर इकोनॉमिक्स। मेनी ऑफ माई फ्रेंड जो कई कोचिंग क्लासेस के हैं, कई कॉलेज टीचर्स हैं, कई कॉलेज टीचर तो हमारे पास स्टूडेंट रहे हैं, दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी, अरे भाई अरे दोस्त बुक दे दे यार। मैंने कहा सॉरी दोस्त, कॉपीराइट है, देखो हार्ड कॉपी चाहिए क्लासेस में लेके जा, सॉफ्ट कॉपी में नहीं देगा, तुम लोग वहां हेडर चेंज करोगे, अपने क्लासेस के नाम से पढ़ाओगे, अपने कॉलेज के नाम से पढ़ाओगे, ये नहीं चलेगा, मेहनत हम लोग की है, तो देखो हार्ड कॉपी चाहिए, तू मेरा दोस्त है, आ पैसे दे लेके जा, उसका टेंशन नहीं मेरे को। तो स्टडी मटेरियल टॉप क्लास हमारा है, स्टडी मटेरियल अगर बराबर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ खाली, ये सिलेबस है, इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है, बुक में ये इंडेक्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने अभी खाली इंडेक्स की फाइल खोली है। ये अपने 10 टॉपिक्स होंगे मेरे भाई, टोटल वैसे तो 11 है, बट थर्ड टॉपिक को इन्होंने दो पार्ट में किया है। मैं फिर कह रहा हूँ सिलेबस पूरा गवर्नमेंट का ही है, मैं सिलेबस से कम पढ़ाऊंगा तो भी गलत, मैं सिलेबस से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो मैं पागल, सिलेबस से ज्यादा मीन्स यही इकोनॉमिक्स के कई टॉपिक्स, सुनो मेरी बात, आपको बीकॉप में, बैक में, सीए में, सीएस में मिलेंगे, वहां कहां कहां कुछ हाई लेवल पे भी है, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा हाई लेवल में, जैसे नाइन्थ का मैथ्स और टेंथ के मैथ्स में फर्क तो होता ही है, अगर नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री है तो लो लेवल है, सीबीएसई में शायद होता है, टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री है तो हाई लेवल है, इलेवन ट्वेल्थ साइंस में और हाई लेवल है, आईटी कर रहे हो, जेई कर रहे हो तो बाप लेवल है, बस वैसे ही। तो इकोनॉमिक्स के ये 11 टॉपिक, 10 बोलना है 10 बोलो, 11 बोलना है 11 बोलो, हमारे सिलेबस में है। ये मैंने उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक मिलेगी जो तैयार हो गई है, बहुत मेहनत मैंने की क्योंकि वो मेरा काम है, करीब 60-70 आवर्स मैंने बुक बनाने में लगाया, क्योंकि मुझे परफेक्ट और बेस्ट देना है। रिलायबल का हमेशा ये रूल रहा है कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देना है, हम वो टीचर्स नहीं, हम वो क्लासेस नहीं कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हाथ में दी चलो इसमें से रट्टा मारेंगे, सॉरी, जबकि आपको बैकअप के लिए गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी रिलायबल क्लासेस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फीस में कवर्ड है, समझ लो आपको अलग से नहीं खरीदनी है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, और रिलायबल क्लासेस से आपको मिलेगी, मिल गई तो ठीक है, वरना 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी, उसका कॉल आ जाएगा, बट वो रेफरेंस के लिए हम आपको बुक दे रहे हैं, पढ़ने के लिए इको की बात कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए ईस्ट और वेस्ट अपनी रिलायबल क्लासेस बुक इज बेस्ट, आई हैव कवर्ड एवरी डैम पॉइंट फ्रॉम दैट बुक, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आई एम गिविंग टू यू। चलो ठीक है, ये बात हो गई, तो स्टडी ओवर, स्टडी मटेरियल की बात हो गई कि हाँ भाई अपना टॉप स्टडी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी कॉलेज के आप हो, रॉयल हो, रावल हो, मिट्टीबाई हो, मातृछाया हो, एनएम हो, निर्मला हो, कॉलेज का हम भेदभाव नहीं करते कि ये बड़ी कॉलेज से है, वो छोटी कॉलेज से है, कॉलेज अपनी जगह है, हमारी मेहनत अपनी जगह है, मैं तो हमेशा यही मानता हूँ। मैं खुद एक छोटी कॉलेज चेतना कॉलेज से था, बैंड्रा वाली, तो एरिया थोड़ा बदनाम है, बट कॉलेज का स्टडी अच्छा था और अभी भी अच्छा है, चेतना मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, अगर आपको मालूम हो तो, थोड़ा क्राउड वहाँ का थोड़ा गड़बड़ क्राउड है, गड़बड़ मतलब अभी हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, बट जो भी है, तो कॉलेज ऐसा नहीं है कि एनएम वाला ही सीए बन सकता है, चेतना वाला सीए नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं, अपनी मेहनत पर है। ओके चलो ठीक है, तो ये आपके 11 टॉपिक है, आपको नाम चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके इसके नाम लिखे हुए हैं, यू कैन सी द नेम्स हियर, यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड। मेरे दोस्त ये 6, 8, 9, 10 ये पूरे नए हैं, पूरे नए हैं, जिंदगी में पहले 12th में नहीं थे, मैं 23 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 7 नेशनल इनकम में काफी नए चेंजेस है, ग्रीन जीएनपी नया कॉन्सेप्ट, ये 3A, 3B में काफी चेंजेस है, ये 5 में चेंजेस है, ऑलिगोपोली इंट्रोड्यूस हुआ है, ये 2 में चेंजेस है, रिलेशन बिटवीन एमयू एंड प्राइस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, हॉरिबल चेंजेस है भाई दोस्त, बहुत चेंजेस है, बट आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम आपको इको में 90+ ला के देंगे, कैसे मैं बताता हूँ। तो ये रही सिलेबस की बात, 10 टॉपिक्स है, पूरी बुक मेरी रेडी है, प्रिंटिंग में जा चुकी है जैसे मैंने कहा, अब मैं कुछ और बातें करता हूँ, इको के बारे में ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, तो स्टडी मटेरियल टॉप क्लास है, अब पढ़ना कैसे,
तो सुनो ध्यान से, पढ़ने के लिए हम एक रखेंगे अपनी रिलायबल क्लासेस के इको टेक्स्ट बुक, इको नोट्स बोल दूंगा मैं, जो मैंने बनाई है, जो सब कवर होती है, यही हमको पढ़ना है, इसमें सब कवर होगा। और एक हम बनाएंगे नोटबुक, एक तो आपकी होगी, एक बार मैं जरा लिख देता हूं, इको की नोट, सॉरी इको नोट्स, नोट्स मतलब अपनी क्लासेस की बुक, और दूसरा होगा एक नोटबुक। अभी आप चेक कर लीजिए कि स्टेशनरी दो तीन दिन में शायद मिल जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद नोटबुक भी आ गया होगा स्टॉक, तो आई डोंट नो करंटली, अगर आ गया है तो आपको सबको मिल जाएगा, या करंटली आप दो तीन दिन रफ बुक में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो एक प्यारी सी हम नोटबुक बनाएंगे पॉइंट वाइज, आप अगर कलर पेन उसमें यूज करोगे तो अच्छा होगा, माइंड को कलर समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो 4-in-1 पेन हो गया, या आप दो भी पेन रख लो, रेड ब्लैक ब्लू कोई भी है, तो उससे बहुत फायदा होगा। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फायदा होगा। हम एक साथ में पॉइंट वाइज नोटबुक बनाएंगे, ये दो काम हम करेंगे। जब तक क्लासेस की टेक्स्ट बुक नहीं आती तब तक मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। अभी आपके साथ मैं फर्स्ट टॉपिक का पीडीएफ 8:30 बजे के बाद शेयर कर लेता हूँ, तो आपको चाहिए तो एक नोट्स ग्लांस कर सकते हो, पढ़ना नहीं अभी उसमें से कुछ, बट एक आइडिया ले सकते हो। तो जो टॉपिक हम चालू करेंगे उसका मैं पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में सब स्टोर्ड है। तो ये दो चीज हुई, एक नोटबुक रहेगी, एक क्लासेस की टेक्स्ट बुक रहेगी अपने क्लासेस की। सिस्टमैटिक स्टडी होगा, आपको मैं पहले टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, साथ में आपको नोटबुक में पॉइंट वाइज लिखाऊंगा। टेस्ट हर एक टॉपिक के होंगे, आपको पूरे पूरे आंसर में याद कराऊंगा कैसे। सुनो, पहली बात मैं बता देता हूं कि इको में हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक्स क्या है। सबसे बड़ी ट्रिक है मेरे पास, जो मुझे अफसोस है कि कई टीचर्स नहीं यूज करते, ये ट्रिक से ही इको में टच बोर्ड लोग हमारे से प्यार करते हैं और 90+ मार्क्स लेकर आते हैं। यस, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल टू स्कोर 90+। हाँ, थ्योरी में आसान नहीं है, इन इकोनॉमिक्स कैसे मैं बताता हूं। पहली बात तो ये कि 90+ लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी तरफ से हमको सिंसियरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये मैं तीन वर्ड बोलूंगा, हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं, सिंसियरिटी। एक लेक्चर आया, दो लेक्चर आया नहीं, तीन लेक्चर बैठा नहीं, चार लेक्चर गांव गया था, पांच लेक्चर सुबह उठा नहीं, छह लेक्चर टाइम टेबल नहीं मालूम था, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको टू द पॉइंट एक्यूरेट एग्जैक्ट रहना होगा, आपको बराबर लेक्चर अटेंड करने होंगे। यही कमिटमेंट और यही डेडिकेशन है, हार्ड वर्क। आपको साथ में रीडिंग करनी होगी, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वो आंसर्स घर में रीड करना होगा, आपको हम जो काम देंगे वो साथ में पूरा करना होगा, टेस्ट देने होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही आपका काम बनेगा। बहुत मेहनत करनी है मेरे दोस्त, एब्सेंट नहीं रहना है, रेगुलरली लेक्चर्स बराबर आना है, मेहनत करनी है, फिर देखो इको में 90+ आता है कि नहीं। ऑफकोर्स आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब मैं वो बता रहा था कि ट्रिक क्या है मेरे पास ऐसी जो दूसरों के पास नहीं है। कोई हमारे जो अभी 11, 12 स्टूडेंट्स जो ऐड हुए, आई वुड लाइक टू आस्क यू, एनीबॉडी नोज अबाउट मनेमोनिक्स? हैव यू हर्ड एनी टाइम मनेमोनिक्स? अगर आपको मालूम होता, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अफसोस है अगर नहीं मालूम है तो, ये उसमें आपका दोष नहीं है, आपके टीचर्स जो अगर नहीं पढ़ाए तो उनका दोष है, मैं तो दोष ही बोलूंगा, बिकॉज आई एम वेरी सैड कि टीचर्स ये यूज नहीं करते। आई माई सेल्फ हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50,000 आवर्स, 23 ईयर्स हो गए भाई, 50,000 आवर्स से ज्यादा एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंस है मेरा, जैसे मैंने अभी कहा। तो मैं पूछ रहा था, एनीबडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज निमोनिक्स? अगर नहीं मालूम तो नो आइडिया लिखो, इससे मुझे पता चलेगा कि भाई सब जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए ना सब। एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट निमोनिक्स? यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखो, चलो लिखो फटाफट। नो, कोई आइडिया नहीं, अनम बोल रही है, स्नेहा, केशा, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आपको मैं ऐसी आइडिया दूंगा कि आप प्यार करोगे इस ट्रिक से, ऐसा प्यार करोगे कि जिंदगी में इसको आप अपना एक क्या बोलते हैं पैटर्न में ले आओगे। यू विल मेक इट एज अ पॉइंट इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर स्टडी स्पेशली। हाउ? आई विल टेल यू। सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग, मिनिमोनिक्स एक ब्रेन ट्रिक है, एक ऐसी ब्रेन ट्रिक है जो कोड वर्ड पे बेस्ड है। ब्रेन ट्रिक
विच इज बेस्ड ऑन कोडवर्ड. अभी बताता हूं, रुक जाओ. कोडवर्ड्स यहां लिख देता हूं, उसमें क्या हुआ. कोडवर्ड की ट्रिक है. यस, ये ब्रेन ट्रिक है, कोडवर्ड ट्रिक है, जिससे आप बड़े से बड़े आंसर, इको की बात नहीं कर रहा हूं, इको हो, ओसी हो, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल में भी आप कोडवर्ड बनाकर उसको अपनी मेमोरी में लॉन्ग लॉन्ग समय, सालों साल तक याद कर सकते हो, इयर्स एंड इयर्स. छोटा सी बात बोलता हूं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग भी तो बाहर निकलते हैं, कुछ शॉपिंग हो गई, कुछ काम हो गया, तो घर से बाहर तो निकलते ही, तो हमारे पास्ट कई स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है मैं ये कंपनी में लग गया हूं, मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीए बन, जो भी है. तो मैं एक बार मेरी कार लेकर सर्विसिंग के लिए ह्युंडई शोरूम गया था, ह्युंडई शोरूम अपना हाईवे पे जो है, एंड वहां का जो मैनेजर है वो मैं शक्ल देख के पहचान, मैंने यार ये पुराना स्टूडेंट है, करीब 10 साल पुराना, गणेश, गणेश सरनेम शर्मा, गणेश शर्मा. तो बोले सर 12 साल पहले मैंने आपके पास इको पढ़ा था, तो एमबीए किया, फिर वो मैनेजर बन गया, अभी शादी बच्चे हो गए उसके, और सर मुझे आज भी इको के आंसर याद है, कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, और वहां स्टाफ के सामने उसने आंसर बोला. आई वॉज वेरी हैप्पी, ये भाई बहुत अच्छी बात है. तो कोड वर्ड एक ऐसी मेमोरी ट्रिक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उससे आप सालों साल तक आंसर याद रख सकते हो. आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा गेम आता है, प्रोग्राम आता है, ब्रेन गेम्स आता था, मेरा फेवरेट था, कसम से बोल रहा हूँ, ब्रेन गेम्स. हैव यू हर्ड ब्रेन गेम्स? अभी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, अगर अभी नेशनल ज्योग्राफिक पे अभी करंटली नहीं भी आता है तो यूट्यूब पे तो दुनिया भर की चीज मिल जाएगी. ब्रेन गेम्स किसने सुना है, यस या नो बोलो. ब्रेन गेम्स, एनीबडी ब्रेन गेम्स, कोई नहीं सुना ब्रेन गेम्स, प्लीज राइट यस और नो. नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ब्रेन गेम्स, कौन है बताओ जल्दी प्लीज. यस, कृष्णा बोल रही है यस, और कोई सूफी, ब्रेन गेम्स, यस. चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कोड वर्ड. मुझे दुख होता है कि टीचर्स ये मेथड से क्यों नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल से ये मेथड क्यों नहीं चालू करते हैं. भाई मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ये बात, मैं 25 साल से मेथड फॉलो कर रहा हूं, मैं कुछ सुनता जब से बोल रहा हूं मैं, उससे भी ज्यादा. ये एक ऐसी कोड वर्ड टेक्निक है, आप उससे कोई भी चीजें, बड़े बड़े आंसर्स याद कर सकते हो. देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो है उस पर्टिकुलर आंसर को समझना, टू अंडरस्टैंड, पहले वो जरूरी है, वो तो मैं कराऊंगा ही. दूसरी बात है उसको याद रखना, बिकॉज इफ यू डोंट रिमेंबर यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. माय एक्सपीरियंस इज हजारों पेपर्स हम लोगों ने चेक किए, पहले स्टार्ट में हम लोग कॉलेज के पेपर भी चेक करते थे, और एक टीचर को कॉलेज के पेपर या पेपर चेक करना ही चाहिए, तो ही उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या लिखता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसको नहीं आता, डाउट किधर आता है, गलत कहां करता है, सही कहां करता है. एक टीचर को पेपर चेक करना ही चाहिए, एंड वी हैव सॉल्व थाउजेंड एंड थाउजेंड पेपर्स, नो डाउट. तो सुनो मैं बताता हूं, क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर लिखना कॉमन है, एजम्पशन पूछा एक्सेप्शन लिख दिया, डिटरमिनेंट्स पूछा लॉ लिख दिया, मतलब मैं क्या बोलू, एडवांटेज बोला डिसएडवांटेज लिख दिया, कॉमन है मिस्टेक होना. एक बात, दूसरी बात, आंसर जब हम एग्जाम में लिखने जाते हैं, मान के चलो 8 पॉइंट है आंसर में, हम बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, 4 याद आए, आगे का भूल गए, क्यों, प्रेशर बहुत है, वो 3 घंटे का प्रेशर अलग होता है. 10th का बोर्ड दिया है हमने, जब मैं 1992 में मेरा 10th का बोर्ड दे रहा था, फर्स्ट पेपर 8 मार्च जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश पेपर था, मैं प्रिपेयर था, पूरा पढ़ के गया था, पढ़ाई मेरी अच्छी थी, बट 10 मिनट तक मैं एक वर्ड नहीं लिख पाया, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं, 10 मिनट मेरे को समझ में नहीं, एंग्जाइटी हो गया था मुझे, हार्ट बीट फास्ट हो गई है, मेरे हाथ कांप रहे हैं. बोर्ड एग्जाम, तुम लोग का पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे साथ हुआ था. फिर बाद में मैं थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर लिखने गया, लास्ट में 4 मार्क मेरा छूट गया वो पेपर में, वो बात अलग है, बट वो प्रेशर अलग होता है. मैं मुझे मालूम है सीए के एग्जाम्स हम देते थे, ऑल इंडिया लेवल का जब सीए एग्जाम होता है, नानी दादी याद आ जाती है, आप कितना भी पढ़ के जाओ कम है, क्या दिमाग चाहिए उसके लिए, क्या मेहनत चाहिए, वो आप करोगे, मैं बोलता हूँ ये बात नहीं है. तो कोड वर्ड एक ट्रिक है, जिससे अगर आप 8 पॉइंट है तो पूरे 8 याद रखोगे. कोड वर्ड एक चाबी है, जिससे आप कोई भी ताला खोल पाओगे. यस, मैं तुम्हें 2-4 डेमो देता हूँ कोड वर्ड के, सुनो मेरी बात ध्यान से. जब हम ये 10-11 टॉपिक्स करेंगे, उसमें से एक टॉपिक में ऐसी कोड वर्ड, आपको एक आइडिया देता हूँ, एक टॉपिक कराऊंगा डिमांड. डिमांड में क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिमांड, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ डिमांड. मैं एक डेमो दे रहा हूं आपको कोड वर्ड का, वरना मैं तो उसके बारे में बताऊंगा. एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स,
एक छोटा आंसर दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ डिमांड में ये छह टाइप्स ऑफ डिमांड है, ये छह टाइप्स ऑफ डिमांड है जो हम जब पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 150 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई, 150 ज्यादा है दोस्त। एक एक आंसर पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, और पूरा सिलेबस है दोस्त। 11 टॉपिक पढ़ना कोई आसान काम है क्या? इको आसान नहीं है, एक चाय दो खारी, इको है सब पे भारी। आज भी महाराष्ट्र बोर्ड में अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं तो वो इकोनॉमिक्स में होते हैं। मैं अपने लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल महाराष्ट्र का, ये फैक्ट है, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट जो मैं बात करूंगा। चलो पहले मैं वही बात कर लेता हूँ, पहले वो बात करता हूँ फिर कोडवर्ड की बात करता हूँ। इको सिलेबस की पहले आपको बात कराता हूँ। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है, लोगों के मन में टेंशन क्या है? देखो इको से सब लोग नफरत करते हैं, मुझे पता है नफरत करते हैं, दे हेट इट। थियरी है, पकाऊ है, बोरिंग है, नॉट स्कोरिंग है, लर्न नहीं कर सकते, बाय हार्ट नहीं कर सकते, इंग्लिश में है, इंग्लिश में तो आ ही गई, भेजा फ्राय है, बकवास है, मार्क्स नहीं मिलते, ये सबके मन में स्टूडेंट लोग के दिमाग में रहता है कि थियरी है, पकाओ है, बोरिंग है, स्कोर नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, बाट नहीं कर सकते, इंग्लिश, इंग्लिश में तो वही नो डाउट, भेजा फ्राय है, बकवास है, मार्क्स नहीं मिलते। भाई आपको इंग्लिश में वो बात तो पक्की है, ये सब आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है, इकोनॉमिक्स का डर बैठा हुआ है, डर। आपको थियरी है और इंग्लिश में, इस बारे में कोई शक नहीं है, बट पकाऊ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग, और नहीं है तो मैं बनाऊंगा इंटरेस्टिंग, मेरे एग्जाम्पल ऐसे होंगे, मेरी ट्रिक ऐसी होगी, लर्न नहीं कर सकते मैं पूरा याद करा दूंगा, स्कोर नहीं कर सकते 90+ ला के दूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भेजा फ्राय नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बनाऊंगा उसको, मार्क्स ला के दूंगा तुमको, ये मेरा काम है, इतने 23 साल से कर रहा हूं मैं वो काम, आज पहला दिन नहीं है मेरा, सो नो डाउट। और ये मैं कैसे करूंगा, आपके साथ में नोटबुक बनाऊंगा, आपके साथ लाइव लेक्चर लूंगा, क्लास में भी हम मिलेंगे जल्द से जल्द, गॉड को प्रे करो, और मैं वो स्टडी मटेरियल दूंगा जो बेस्ट है, वो बात मैंने बोल दी, और साथ में टेस्ट सीरीज हम लेंगे, आपके टेस्ट पे मेरी पूरी नजर होगी, किसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कौन क्या लिख रहा है, चाहे 500 स्टूडेंट हो, जहां तक हो सकता है हम पूरी नजर रखते हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं, कभी भी कोई डाउट है हम लोग यहाँ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो मेरी बात, मैं अभी आपको एक डेमो दे रहा हूँ, ये कोडवर्ड ट्रिक क्या है, मिनेमोनिक्स एक साइंस है, क्योंकि मिनेमोनिक्स एक ब्रेन कोडवर्ड ट्रिक है। पहले मैं इकोनॉमिक्स के बारे में दो शब्द और बोलूंगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट खुद अपने आप में साइंस है, क्या आपको मालूम है इकोनॉमिक्स एक साइंस है? प्लीज राइट येस और नो, कोई मुझे बताएगा कैसा साइंस है? प्लीज ट्राई, आई वॉन्ट यू टू ट्राई, इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? आज पहला लेक्चर है हमारा, कुछ बातें करेंगे, इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? एनीबडी कैन राइट एंड टेल मी, इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? अगर आप ट्राई कर पाओ, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स कैसा साइंस है? ना 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 ना, जस्ट इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। आपको पता नहीं लेकिन सीए में जब मैं पढ़ाता हूँ तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में भी फर्क है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, आई विल टेल यू व्हाई, इट्स अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। पहले ये बात हम लोग क्लियर करते हैं, आई रिपीट, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, पहले वो बात करता हूँ फिर कोडवर्ड पे आता हूँ, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मैं पहले इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस इसलिए क्योंकि इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, ये टॉपिक्स हमारे उसी पे बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये भी सोशल साइंस है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, ये भी सोशल साइंस है। इंसान की सोच, इंसान का व्यक्तित्व कैसे है, जैसे कोरोना वायरस जब स्टार्ट में आया तो हम सब बहुत डर गए थे, अभी भी डरे हुए नो डाउट, बट अभी थोड़ा डर लेवल कम है, वो टाइम पे बहुत ज्यादा था, मालूम है मौत हमारे सामने है, कब कौन मरेगा कोई गारंटी नहीं है, कब किसको होगा कुछ नहीं बोल सकते, डर भय ह्यूमन बिहेवियर। अगर मान के चलो मैं अब यहाँ रूम में बैठा हूँ, लेट अस से मेरे फैमिली मेंबर्स 2-3 यहाँ पर मेरे साथ हैं, एग्जांपल कोई नहीं वैसे, और एसी में आग लग गई, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग भागेंगे,
भागेंगे ये रूम छोड़ के भाई निकलो यहाँ से, ये तो एसी ब्लास्ट हो गया, वाट लग जाएगी, मर मुरा जाएंगे यार, भागेंगे, एक बार फ्लैट जलेगा चलेगा एक बार, तो ऑफकोर्स वो कोशिश करेंगे बुझाने की, लेकिन पहले अपनी जान बचाएंगे. दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. यस दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. लेट अस से बाइंडर में मैक्स स्मॉल में सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, चलो सॉरी 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 एग्जाम्पल चेंज, मंडे मार्केट में सस्ते गुड्स मिल रहे हैं, अभी तो सब बंद है, तो हमारे कई लोग वहां पर गुड्स खरीदने जाते हैं, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, ह्यूमन बिहेवियर. मैक्स स्मॉल में बहुत महंगा सामान मिल रहा है, कम कस्टमर है, प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है, ह्यूमन बिहेवियर. और हम वही सीख रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. एक बात ये सुन लो, दूसरी बात सुनो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई. दोस्त मेरे, इकोनॉमिक्स आपके अभी नहीं, आपके लिए इकोनॉमिक्स बीकॉम बैक सीए सीएस एमकॉम एमबीए हर लेवल पे रहेगा, इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. तो इकोनॉमिक्स हर लेवल पे रहेगा, तो इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर वो बात तो हो गई, और इकोनॉमिक्स जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट है नो डाउट, उसको लर्न करना, उसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना है, वो तो मैं लेक्चर लूंगा, प्लस वो आंसर को याद रखना है. फिर से मैं आ गया याद रखने के पॉइंट पे, और उसके लिए मैं बोल रहा था कोड वर्ड ट्रिक. अब सुनो, मैं आपको एक डेमो देता हूं. जैसे मैं बोल रहा था, एक टॉपिक है डिमांड, यहां ले लेता हूं मैं इसको, एक टॉपिक है डिमांड, जस्ट वेट प्लीज, आइए रहा, उसमें एक आंसर है टाइप ऑफ डिमांड, खाली देखते जाओ. ये मैं आंसर आपको कैसे याद कराऊंगा, ये मैंने यहां पर कोड वर्ड लिखा है, इसका आंसर है फॉर्म टाइप्स ऑफ डिमांड बोल रहा हूं, टाइप, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये यूटिलिटी का क्वेश्चन लूंगा मैं पहले, क्योंकि मैं वो कोड वर्ड पहले पढ़ाना चाहूंगा, ये कोड वर्ड ही पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. ऑफकोर्स यूटिलिटी क्या होता है अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक डेमो दे रहा हूं, मैं यूटिलिटी में गलती डिमांड लिख दिया, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो एक घंटा मेरे को ये आंसर पढ़ने को लगता है, मुझे कम से कम 70 आवर्स लगभग जाएगा इकोनॉमिक्स पूरा पोर्शन करने, क्लासरूम आवर्स कम से कम, सिलेबस बहुत भयंकर चेंज हुआ है, बट आपको हम काम करके दे देंगे, वीक में कम से कम 2 या 3 times कम से कम इको होगा, वो बाद में सब स्टेबिलाईज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार सब ठीक हो जाए. ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, FPTSPK. अब ये मत बोला तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये मैंने अपने अपने कोड वर्ड बनाए हैं. फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, मिनिमोनिक्स कोड वर्ड, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, खाने की चीज बनाओ, देखने की चीज बनाओ, पहनने की चीज बनाओ, डायलॉग बनाओ, दोस्त कुछ जो चाहिए बनाओ, मिनिमोनिक्स कोड वर्ड ट्रिक है, हिंदी इंग्लिश एनीथिंग व्हाट यू लाइक यू मेक, और थोड़ा मस्त इंटरेस्टिंग हो जाती है. फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल है यार, देखो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, तो मैं हजारों एग्जाम्पल दूंगा, हजारों, और मेरा ब्रेन में पूरी बुक कैसेट की तरह रिकॉर्डेड है, पूरी बुक का कोई भी क्वेश्चन कोई भी आंसर मुझे बायहार्ट है, क्योंकि इतने साल से पढ़ा ना, कोई बड़ी बात नहीं. तो कोड वर्ड कैसे होना चाहिए, कल मुझे सपना आया कि यार फालूदा पीऊंगा, बहुत शौक हो रहा था मुझे फालूदा का, यहाँ अपना आई थिंक जो अपने मीरा रोड की बड़ी मस्जिद है, इट इज लाइक इन नया नगर, सुपर डेरी, अगर आपने नाम सुना होगा, नियर दैट मस्जिद, नया नगर, स्काईवॉक से थोड़ा आगे जाएंगे ना, और बहुत ही हाई क्वालिटी फालूदा वो बनाता है. तो मेरे को सपना है कि मैं फालूदा पिया, और फिर अगले दिन जाके मैंने अपना सपना पूरा किया. वैसे याद रखने के लिए ट्रिक है, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, ये हुआ कोड वर्ड. अभी सुनते जाओ, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, ये सब मैंने अपने ओन कोड वर्ड बनाए हैं अपने दिमाग से. अब ये कोडवर्ड है, पहले मैं आंसर पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोडवर्ड याद कराऊंगा. जैसे एग्जांपल, पहला है फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी. दूसरा है प्लेस यूटिलिटी. तीसरा है टाइम यूटिलिटी. जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अब तो मैं डेमो दे रहा हूं कोडवर्ड का. सॉरी, सर्विस यूटिलिटी. Possession utility and knowledge utility. ये मेरा code word बना. अब इसको मैं जब सिखाऊंगा तब तो सिखाऊंगा, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक डेमो दे रहा हूं ट्रिक का. फालूदा
फॉर्मिडिटी, फॉर्म वर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया, एफ से फालूदा आता है तो एफ से आया फॉर्मिडिटी, तो ब्रेन में मैं सेव कर लूंगा, ये मिनिमोनिक्स है, ये कोड वर्ड है, इधर जाके बैठता है, सालों साल रहता है। पिया, प्लेसिबिलिटी, पी से प्लेस, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको ब्रेन में कैसे लॉक करना है, ब्रेन में टेक्निक क्या है, ब्रेन में कोडवर्ड का मेथड क्या है, ब्रेन में कैसे इसको फिट करते हैं, ये साइंस कैसे सुपर हिट है, याद रखने के लिए, आंसर समझने के लिए तो लेक्चर में आना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैं मेरे दोस्त को सब कोडवर्ड दे दूंगा तो उसका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, सॉरी वो उसके लिए श्राप होगा, उसके लिए ये कर्स होगा, उसको नहीं याद आएगा क्योंकि उसने लेक्चर नहीं सुना, बैठा नहीं लेक्चर, उसने समझा नहीं कॉन्सेप्ट, पहले आंसर समझना पड़ता है। तेरा, टाइम यूटिलिटी, सपना, सर्विस यूटिलिटी, पूरा, पोजेशन यूटिलिटी, किया, नॉलेज यूटिलिटी, फालूदा, फॉर्म, पिया, प्लेस, तेरा, टाइम, सपना, सर्विस, पूरा, पोजेशन, किया, नॉलेज, ऐसे मैं आपको ये पूरा मेमोराइज कराऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब, तो मेरे दिमाग में अब ये कोडवर्ड है, जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो कोडवर्ड फट करके एक सेकंड में मेरे सामने आएगा, फालूदा, पिया, तेरा, सपना, पूरा किया, फालूदा, फॉर्म, दिया, प्लेस, तेरा, टाइम, सपना, सर्विस, किया, सॉरी, पिया, फालूदा, पिया, तेरा, सपना, पूरा, पोजेशन, किया, नॉलेज, इसको समझाने को मुझे एक घंटा लगेगा आंसर सिखाने को, मैं अभी आंसर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैं अलग से आपको पूरा पढ़ाऊंगा, और पहला टॉपिक हम यही करेंगे, पहला आंसर भी मैं आपको यही कराऊंगा, टेंशन मत लो। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी मींस यूटिलिटी क्रिएट बाय ट्रांसमिटिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स कन्वर्टिंग गुड इनटू फर्नीचर। Place utility is utility obtained by transporting the goods from a place where they have less utility to a place where they have more utility. Time utility, storing the goods when they are required and supplying them when they are not storing the goods when they are not required and supplying them when they are required. Service utility, obtaining service from a person, doctor to patient, teacher to student. Possession utility is utility by change of ownership. Knowledge utility is by obtaining knowledge of particular thing like computer, laptop. ये आंसर सिखाने को मुझे 45 minutes चाहिए, पूरा brush करने को, लिखने को एक घंटे तक जाता है, ये तो मैं नॉलेज बता रहा था, मुझे पूरी बुक बायट है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आपको पहली बार पढ़ाना है। वैकेशन बैच अलग है, ये कोई क्रैश कोर्स बैच नहीं है, ये रेगुलर बैच है भाई, तो यहाँ एक नई टीचर की तरह, टीचर तो कर रहा हूँ, नए बैच की तरह, नए स्टूडेंट्स की तरह नई तरीके से पढ़ाना है मुझे, तो वो मैं करूंगा, आप डरो मत। फालूदा, पिया, तेरा सपना पूरा किया, पूरा किया, तो ये ऐसे कोडवर्ड्स में यूज करूंगा। एक आंसर में कराऊंगा जब मैं टॉपिक कराऊंगा मार्केट टॉपिक, एक टॉपिक है मेरे पास एक्सक्यूज मी एक टॉपिक है हमारा मार्केट, जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अब तो मैं आपको डेमो दे रहा हूं। मार्केट टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां अलग अलग टाइप्स के मार्केट होते हैं, जो अभी आपको नहीं मालूम लेकिन बताऊंगा। एक मार्केट होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, अभी आपको नहीं मालूम, आपको क्यों नहीं मालूम, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक साइंस है मेरे भाई, फिजिक्स एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है, बायोलॉजी एक साइंस है, तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। फिजिक्स में इनर्शिया, वेलोसिटी, मास, ग्रेविटी वर्ड्स है ना, केमिस्ट्री में HCl, H2SO4, AgNO3 वर्ड्स है ना, बायोलॉजी में, अभी बायोलॉजी में ज्यादा नहीं आता यार, प्लांट्स और एनिमल्स के भी अपने अपने नाम, कैसे अजीब अजीब नाम होते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। यहाँ भी आपको हजारों नए वर्ड्स मिलेंगे मेरे भाई, friends, you are going to get thousands of new words. Every lecture will be unique. Everything will be unique. You just have to not miss the lecture. So, ek baat main aapko bata deta hu. I know that you don't know what is perfect competition. I know that. And I don't expect you to know this now because we have not started studying, mere bhai. Friends, we have not started studying. But jab main padhaunga aapko, to main bataunga perfect competition ka kya hota hai. Abhi main aapko bata raha hu ki code word ki technique kaise kaam aa sakti hai. Padha nahi raha hu. डेमो दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए मुझे। ये कोडवर्ड है मेरा, मैंने लगभग हर आंसर के लिए कोडवर्ड बनाया मेरे भाई। ये आंसर मैं कब जब पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या राय, ये कोडवर्ड मैंने बनाया है। कोडवर्ड थोड़ा अतरंगी होना चाहिए, थोड़ा जिंगी होना चाहिए, तो याद रहेगा ना। अब मैं बोलूंगा LHHFPPNAR, अरे चल ये कोडवर्ड है क्या, पागल है क्या, पॉइंट बोल के कोडवर्ड बोलता है। कोडवर्ड को दिमाग में बनाने का ट्रिक्स है, लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या राय। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे दिमाग में मैं आपको सेव कराऊंगा, आपके दिमाग में, लाल लार्ज नंबर ऑफ बायर, लाल लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होठ होमोजिनस कमोडिटी, फ
फटे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सारे सिंगल प्राइस पहला परफेक्ट नॉलेज प्यार परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाम नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऐश्वर्या एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट राय रैशनैलिटी ऐसे लिंक बनाऊंगा. एक बार लिंक बैठ गया ना फिर आप 10 पॉइंट यू बोलोगे. मैं आपको एक स्टंट करके दिखा रहा हूं प्लीज घर पे ट्राई मत करें एक्सपर्ट द्वारा किए गए हैं. लार्ज नंबर ऑफ सेल लार्ज नंबर ऑफ बायो होमोजेनस कमोडिटी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सिंगल प्राइस परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रैशनैलिटी ऐसे आपको भी याद हो जाएगा. टाइम लगेगा टाइम लगेगा. आप बोलोगे दो घंटे में इको की बुक पूरी दे दो ना भाई. अगर ये ब्रेन में साइंस ने ऐसा कुछ बनाया होता कि चिप डाल सकते थे ये पेन ड्राइव है तो मैं ये चिप यहां से निकालता फाइल सेव करता और आपको देता ये लो भाई फाइल. ह्यूमन ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ह्यूमन ब्रेन इज द बेस्ट थिंग मेड बाय गॉड. ये तो कुछ नहीं है. हमें कई कई बुक्स यहां याद रहती है क्योंकि इतने साल हो गए. मैं वापस बोल रहा हूं तो अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहां से मेमोरी कॉपी करके मेरे ब्रेन में से निकाल के आपको देता बट ऐसा नहीं है. हाँ मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ ट्रेन करूंगा तैयार करूंगा 90 प्लस इको में लाने के लिए आपको मैं तैयार करूंगा. दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी माय जॉब एंड यू आर ऑल आर फैमिली. तो ये 10 पॉइंट यहाँ पर ऐसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो याद करेंगे. ऐसे कई कोडवर्ड्स मेरे पास है लगभग पूरी बुक कोडवर्ड की है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक बन गई है. ये सब बात तो भाई हो गई सब बात हो गई. अब एक मिनट आप रेस्ट लो फिर मैं आपको टॉपिक से शुरुआत करूंगा. आज कौन सा टॉपिक है क्या है मैं सब बताऊंगा. आज आपके पास नोटबुक नहीं है तो कोई बात नहीं. अगला जब भी इको लेक्चर होगा डेली बेसिस टाइम टेबल होता है यू हैव टू बी अलर्ट. व्हाट्सएप मैसेज चेक करना है लेट से लेट रात तक मैसेज आ जाता है 9 o'clock के आसपास तक लेट से लेट क्योंकि इतनी सारी क्लास का टाइम टेबल बनाना पड़ता है. वेकेशन बैच रेगुलर बैच 11th स्टैंडर्ड CA फाउंडेशन CA इंटर अभी TY बीकॉम TY बैच सब चालू होगा तो हम लोग टाइम टेबल बनाना पड़ता है. तो मैडम लोग सर लोग बैठकर टाइम टेबल बना के फाइनल करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगा. अगर आप जल्दी सो जा रहे हो समझो आप बोल रहे हो मैं तो 7 बजे ही सो जाता हूँ भाई तो आप बाद में घर में किसी को बोल दे तो वो व्हाट्सएप चेक कर लेगा कोई दिक्कत नहीं. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है एनी टाइम आप मैडम को कॉल करो. मैंने पहले ही बोल दिया एनी टाइम कुछ भी बुक का टाइम टेबल का कॉलेज का कुछ भी टेंशन होगा हम लोग इधर है तो आप सीधा मैडम को कॉल कर सकते हो. कुछ भी प्रॉब्लम हो वी आर देयर फॉर यू. डोंट हिचकिचाओ बिंदास फोन कर देगा. चलो ठीक है अब मैं आपको 1 मिनट रेस्ट दे रहा हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 1 मिनट 2 मिनट आप रेस्ट ले लो. ठीक है 2 मिनट अपने माइंड को रेस्ट दो मैं अभी 1 मिनट में वापस आता हूँ. ठीक है टेक अ 2 मिनट ब्रेक.
ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओके भाई, अब आगे क्या है? चलो आगे की बातें करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्दर। क्या करने वाला हूं मैं अभी आपको बताता हूँ। आप, मैं नया शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, देखो आपके स्क्रीन पे ये आ गया है, अभी अभी मैंने शेयर किया है। हमारे इको का सिलेबस बहुत वास्ट है, बात हो गई है हम कैसे पढ़ेंगे वो बात हो गई है, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान एंड अचीव वेरी गुड मार्क्स, सब बात हो गई है। नाउ प्रोसीडिंग विद आवर सिलेबस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। देखो दोस्त, टोटल 10-11 टॉपिक्स है जैसे मैंने कहा, बट अकलमंदी इसमें है कि आप इस टॉपिक से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट, दैट इज टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 1 बाद में करेंगे, आपको चिंता नहीं करना। तो टॉपिक 2 का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, आपको ग्लांस करके बताता हूँ, ये इसकी नोट्स है, मैं आपको एक बार एक आइडिया देता हूँ इसके बारे में किधर करना पड़ेगा। नम लॉक बंद करना पड़ेगा ना, नम लॉक कैसे बंद होगा यार, एक मिनट है दोस्त। यस, ये आप देखो, ये हमारे देखो कितनी बढ़िया नोट्स है, हर एक क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है, पूरा मैंने चेक किया हुआ है, सब डायग्राम्स डाले गए हैं, ग्रुप रीडिंग करना, पॉइंट्स डालना, कोड वर्ड डालना, न्यू आंसर्स इंक्लूड करना, ये तो एक टॉपिक है दोस्त, देयर आर 11 टॉपिक्स। देखो देखो हर चीज आपको मिल गया, एग्री डिसएग्री देखो सब है कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव देखो, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देखो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव देखो, हर चीज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया देखो, ये सब है। मैं कल ही ग्लांस कर रहा हूँ, ये फाइल मैं शेयर करूंगा ना आपके साथ 8:30 के बाद ना, मैं आपको ये PDF सेंड कर देता हूँ, आपको चाहिए तो देख लेना। वैसे पढ़ाई अभी मैं स्टार्ट करना है, देखो डिस्टिंग्विश है, देखो सब क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है, एक एक पॉइंट्स मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया नोट्स अपने क्लासेस की यहाँ पर रेडी है, ठीक है। चलो ठीक, दिस PDF आई विल शेयर, जब तक अपने हार्ड कॉपी नहीं आती तब तक ये PDF से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको PDF भी देंगे और हार्ड कॉपी तो अभी आ ही जाएगी। तो चलो भाई, आज वक्त आ गया कि हम लोग एक नया टॉपिक चालू करें। इस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, जहां पर पहला जो क्वेश्चन है उसी से मैं शुरू करूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा और बोल रहा था इकोनॉमिक्स के बारे में, पहले मैं वो बोल देता हूँ फिर इस पे आता हूँ। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर वो सब हो गया, पूरी स्टडी जो इकोनॉमिक्स की है वो 2 पार्ट में है। 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने सिखाया था, अगर आप मेरे साथ थे या नहीं थे या जो भी है, कैन यू टेल मी इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, कैन एनीबॉडी प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट। सूफी, कृष्णा, रुति, पार्थ, जश, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट क्या है? इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, प्लीज आंसर समवन। यस, एनीबॉडी? जश ने राइट आंसर दिया, लेकिन आंसर क्या अभी मैं नहीं बोलूंगा, पहले मैं चाहता हूँ कुछ लोग और ट्राई करें। क्लैरिसा फर्नांडिस, एनीवन, प्लीज आंसर मी, ट्राई, व्हाट आर द 2 मेजर ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स, टेल मी दैट फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड। वेरी गुड कृष्णा, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई आप बीकॉम करो, एमकॉम करो, सीए करो, इकोनॉमिक्स में एमए करो, पीएचडी करो, जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो पीएचडी है इकोनॉमिक्स में। Yes, और कई PhD है, अभी आपको मालूम है करंट नोबेल प्राइज जो भट्टाचार्य सर का नाम है, और वो नोबेल प्राइज जीते हैं इकोनॉमिक्स में, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। अभी जो करंट लास्ट ईयर का जो नोबेल प्राइज दिया गया अभी लास्ट ईयर का, तो उनको मिला है, भट्टाचार्य सर करके नाम है उनका, US में अभी वो बेस्ड है, इंडियन बॉर्न है वो जहां तक मुझे मालूम है, तो ही इज अ नोबेल प्राइज विनर ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड को चलाता है, नो डाउट अबाउट दैट। तो माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट होते हैं, हमारा सिलेबस भी इन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। माइक्रो में आपको यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ये टॉपिक मिलेंगे, और मैक्रो में आपको नेशनल इनकम, मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड और वगैरह कुछ टॉपिक मिलेंगे। तो हमारा सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। पहले मैं माइक्रो पार्ट से, और पहला टॉपिक तो इनफैक्ट माइक्रो और मैक्रो खुद है, लेकिन मैं पहले यूटिलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेस्ट टॉपिक रहेगा स्टार्ट करने के लिए, ये माइक्रो एनालिसिस का ही टॉपिक है। माइक्रो और मैक्रो के बारे में अभी मैं खाली इतना बोलूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है
जो इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ डील करता है, इंडिविजुअल, मेरी सोच, मेरा थिंकिंग, मेरी डिसीजन. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पूरे कंट्री के कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या जो है फर्म्स है जो है उनके बिहेवियर के साथ सोचता है. एक अकेले इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचता है वो मैक्रो होता है. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं, देश की इनकम, तो वो मैक्रो हुआ. जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं एक से एक कोड वर्ड आपके सामने लाऊंगा, मैं डेफिनेशन बाय हार्ट कराऊंगा, रट्टा तो नहीं, बाय हार्ट कराऊंगा एक्सप्लेन करके. National dividend is that part of the objective income of the community, including income derived from abroad, which can be measured in terms of money. ऐसे आपको आंसर याद कराऊंगा मैं, तोड़-तोड़ के कैसे याद करना है, ये सब ट्रिक्स है मेरे पास. I will teach you that. That is my passion. That is my profession. That is my responsibility. That is my duty. वो मेरा काम है, आप टेंशन मत लो. 23 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बोलेगा पक गया, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं जमता है, मेरे को इको से उतना ही प्यार था जितना पहले दिन था. No doubt, and you will see my teaching methods. हाँ, कभी कभी मैं कई एग्जाम्पल दूंगा, कभी डांस करूंगा, कभी गाना गाऊंगा, तो आप डरना मत, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, ये मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है. Sometime I may learn or dance or sing song, but that is a part of teaching, and I will tell you how you are going to learn that code word वगैरह and so on. तो भाई हम लोग those utility topic से start कर रहे हैं. सबसे पहले इस topic में आपको मैं answer कराऊंगा कि ये utility होता क्या है यार, इसके फीचर्स क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त. तो यस, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. आज मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा बिकॉज टाइम भी निकल रहा है, मुझे मालूम है. फिर मैं आपको 5 मिनट ब्रेक भी दे दूंगा, रोज नहीं मिल गया ब्रेक, आज दे रहा हूं. और फिर 8:30 को जो मैथ्स लेक्चर है, जरा बताएंगे मैथ्स 1 है कि 2 है आज. आज क्या है, मैथ्स 1 है मैथ्स 2 है, एनीबॉडी आज के टाइम टेबल में कौन है, मैथ्स 1 है मैथ्स 2 है. मैथ्स 1 है, साजिद सर जो है ना, ओके, ये कोड वर्ड से हम आपको आंसर याद कराएंगे, अभी नहीं जब टाइम आएगा. यू यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस, पी यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर, एस यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फेक्शन, एम पी यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, एस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइस बेस्ट मतलब खाली भी आने वाला है, राइस आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, आई डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, सी कैनॉट बी मेजर्ड, ई एथिकली न्यूट्रल, बी बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड. आई नो अभी आपको ये सब नहीं समझेगा, एक घंटा लगता है मुझे ये आंसर कराने को, एक घंटा, ये 10 मिनट का काम नहीं है. हमारी रिलायबल ऐसी नहीं, फीस ले ली, ऊपर ऊपर से पढ़ाओ, खत्म करो, सिलेबस हो गया, जाओ घर पे. सॉरी, आपको मास्टर बनाएंगे हम, चाहे कितना भी टाइम लग जाए. हमको पढ़ाना है तो टीचिंग करना है, चीटिंग नहीं करना है. यूपीज एमपीज राइस. Usefulness, pleasure, satisfaction, multi-purpose, subjective concept, relative concept, intensity of the want cannot be measured, ethically neutral, basis of consumer demand. मुझे पूरी बुक बायट है, वो मैं आपको कराऊंगा. टाइम लगेगा थोड़ा. तो कोड वर्ड से मैं जाऊंगा, अभी नहीं, पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ. देखो जैसे ये आ गया यूजफुलनेस, ये आ गया पी से प्लेजर, ये आ गया एस से सेटिस्फेक्शन, ये आ गया एम पी से मल्टीपर्पज, ये आ गया एस से सब्जेक्टिव, ये आ गया आई से इंटेंसिटी, सी से कैनॉट बी मेजर्ड, टी से एथिकली न्यूट्रल एंड सो ऑन. ये सब कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप. पहले मैं आपको, अभी थोड़ा टाइम है अपने पास, यूटिलिटी का मीनिंग बता देता हूँ आज के लिए. आज पहला लेक्चर था, कई बातें हमने की, वो सब जरूरी थी. क्लासेस के बारे में आपको मैं थोड़ा जानने की कोशिश किया, मैंने प्लान ऑफ एक्शन बताया, स्टडी मटेरियल के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया. एक मिनट प्लीज.
some computer problem. Please wait for 2 minutes. I am logging in again. I hope you can see me. Please hold on, friends. Some computer problem. Just let us check it out. अरे क्या हो रहा है? हाँ यार अभी आया. Yes, everyone, can you hear me? There was some computer problem. Computer automatic switch off हो गया, पता नहीं. मैंने फटाक से ऑन किया. बैटरी भी है, सब है. कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है. आई होप यू कैन हियर मी. कैन यू हियर मी फ्रेंड्स? सब लोग मुझे सुन सकते हो? ओके, थैंक यू. I don't know what happened. Automatic the screen went black out. But chalo, koi baat nahi, nazar lag gayi lagta hai. So yes, we were talking about this topic, utility analysis. Dost, achhi tarah meri baat sunna. Utility ho jayega, koi baat nahi. Uske baad next lecture hoga. But pehle main itna to bol dunga yaar, dekho time ho raha hai, koi baat nahi. Pehle main aapko utility word ke bare mein batata hu. Dhyan se sunna meri baat. Economics mein utility kya hota hai? एक एग्जांपल से बात करते हैं. समझो मैं थर्स्टी हूं, सुबह पानी पीना बहुत अच्छा होता है अर्ली मॉर्निंग. मैं थर्स्टी हूं, बहुत प्यास लग रही है मुझे. सुबह मैं थोड़ा साइकिलिंग करके आया, 6 o'clock उठ गया था, मैं साइकिलिंग करके आया थोड़ा. अभी मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी की बॉटल को बोलूंगा, ए पानी क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? कैन यू क्वेंच माई थर्स्ट? पानी बॉटल बोलेगा यस. उसमें जान नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. ये लो. प्यास बुझ गई यार मेरी. इट हैज क्वेंच माय थर्स्ट. इसका मतलब इस पानी में मेरे लिए यूटिलिटी है. यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इस वर्ड को पकड़ो सब लोग. यस, ध्यान सुनो. जब अपने पास हार्ड कॉपी आ जाएगी तो हम लोग पेंसिल से अंडरलाइन भी क्या करेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको. सुनो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर एक कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है. नेट स्लो हो रहा है क्या? नेट चेक करो. नेट स्लो क्यों हो रहा है अदनान? एक मिनट, नेट चेक कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्शन जो जा रहा है ना और स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें टाइम वेरिएशन आ रहा है जो आता नहीं. हेलो हेलो. कभी कभी नेट प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, सैटेलाइट प्रॉब्लम होता है. वैसे तो अपने घर में अच्छा नेट है बट कभी कभी थोड़ा ऐसा टेंशन आ जाता है. जस्ट 1 मिनट चेक कर लेता हूँ. अभी रियल टाइम में आ गया. तो मेरा एक्शन अलग आ रहा था और स्क्रीन पे टाइम लग रहा था. सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इकोनॉमिक्स कहता है अगर उस कमोडिटी में आपकी वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, मतलब उसमें यूटिलिटी है. क्या हुआ? चार्जिंग नहीं हो रहा लगता है. एक मिनट, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. चार्जर कहां से ढीला हो गया क्या अपना? चार्जिंग तो है यार. चार्जिंग हो रहा है. जस्ट आई चेक करता हूँ. गड़बड़ है. चलो ठीक है. तो डिटेल में जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, प्लग दिखाया ना, निकालेंगे तो प्लग नहीं दिखाएगा. ओके ओके, चार्जिंग है. ठीक है. तो अगर एक कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, मतलब उसमें यूटिलिटी है. अगर एक कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर नहीं है, मतलब उसमें यूटिलिटी नहीं है. इतना इजी है. जैसे मैंने आपको बताया, यूटिलिटी का लेक्चर याद है कि नहीं? ए कमोडिटी इतना कम चार्जिंग क्यों होगी? इसका चार्जिंग बहुत ज्यादा है. नहीं आता बात बात लेक्चर जाएगा इसका. अभी हो रहा है. अच्छा, जब नहीं हो रहा अब हो जाएगा. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. चेक द चार्जिंग. चार्जिंग बराबर लगता तो है ना सॉकेट की? नहीं लगता. तो अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी से पूछूंगा, ए पानी क्या तुम मेरी वांट पूरी कर सकते हो? हाँ, मतलब पानी में यूटिलिटी है. मुझे भूख लगी है, खाने को पूछूंगा, मेरी भूख मिटाओगे? हाँ, यूटिलिटी है. भूखे के लिए खाना यूटिलिटी है. प्यासे के लिए पानी यूटिलिटी है. जिसे बराबर ना दिखे उसके लिए चश्मा यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है तो यूटिलिटी है, नहीं है तो नहीं है. छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं भाई. फ्रेंड्स, नथिंग ग्रेट.
तो आपको क्या करना है, उस कमोडिटी से जाके सवाल पूछना है। ए कमोडिटी क्या तुम मेरी वांट पूरी कर सकते हो? हाँ तो यूटिलिटी है, ना तो यूटिलिटी नहीं है। अभी कुछ ही बात करूंगा मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आंसर देना। जो सिगरेट नहीं पीता उसके लिए सिगरेट यूटिलिटी है कि नहीं है? प्लीज आंसर टू मी इन द कमेंट बॉक्स। जो सिगरेट नहीं पीता उसके लिए सिगरेट, डज इट हैव यूटिलिटी फॉर दैट गाय? नो, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता। जो सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है, उसके लिए सिगरेट यूटिलिटी है? वन एंड दिस, ट्राई दिस वन। यस, क्लैरिसा विल टेल मी सर बट इट इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। बट इकोनॉमिक्स वो बात नहीं करता गुड और बैड, उसकी वांट पूरी होना चाहिए। दारू पीने वाले के लिए दारू यूटिलिटी है, सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट यूटिलिटी है, ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग लेना यूटिलिटी है। यूटिलिटी मींस मेरा वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। भूखे के लिए खाना यूटिलिटी है, जिसे बराबर नहीं दिखता उसके लिए चश्मा यूटिलिटी है। दैट इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी और नॉट, वी जस्ट हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, डज इट सेटिस्फाई माय वांट? इफ यस तो यूटिलिटी है, इफ नो तो यूटिलिटी नहीं है। ये डायलॉग सुनना, यूटिलिटी ये सब मैंने पढ़ा, इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। कोई चीज की मुझ में यूटिलिटी होगी तो ही वो चीज मैं खरीदूंगा, नहीं तो क्यों खरीदूंगा? दारू 50% ऑफ मिल रहा है, मैं नहीं पीता दारू, मैं वो दुकान पे रुकूंगा भी नहीं, बाढ़ में गई दारू की दुकान, मैं डिमांड ही नहीं करूंगा उसकी। लेकिन एक्स वाई जेड मेरा एक दोस्त है, एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो दारू बहुत पीता है तो वो लाइन में 4 बजे से खड़ा है, सुबह 4 बजे से, क्योंकि उसको दारू पसंद है। तो डिमांड पैदा कब होगी? जब उस चीज की यूटिलिटी होगी। अगर कमोडिटी की यूटिलिटी नहीं है तो वो डिमांड ही नहीं होगी। दिस इज एज फार द मीनिंग इज कंसर्न। तो आई रिपीट, यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी में वॉन्ट सेटिस्फाई करने का पावर है तो उसमें यूटिलिटी है, अगर वॉन्ट सेटिस्फाई करने का पावर नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है। 10,000 एग्जाम्पल देता हूं मैं, सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, जीवित या मृत किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। एक वेजिटेरियन के लिए चिकन तंदूरी यूटिलिटी नहीं है, उसका रिलीजन उसको ना बोलता है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं खाना उसको, जबरदस्ती है क्या? लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन, जैसे डिसूजा है, फर्नांडिस है, मैं हूं, हम लोग वेजिटेरियन भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए, डिसूजा के लिए, फर्नांडिस के लिए चिकन तंदूरी यूटिलिटी है, हमें पसंद है, हम लोग खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वॉन्ट सेटिस्फाई करने का पावर है तो यूटिलिटी है, नहीं है तो नहीं है। अब कल परसों ही हम बिल्डिंग वाले कुछ दोस्त लोग नीचे बैठे थे, बोले हमारी पूरी कॉलोनी है, मैकडॉनल्ड के बाजू में रहता हूँ मैं, ऐसे बैठे थे शाम को 9 बजे का डिनर के बाद, जैसे तारक मेहता में वो लोग सोडा पीने के लिए बैठते ना, ऐसे बैठे थे थोड़ा। वैसे तो हम लोग नॉर्मली नहीं बैठते अभी, लेकिन काम वाम सब कम है। तो एक भाई ने सिगरेट पैकेट निकाला और सबको ऑफर किया, लो दोस्त। 2-3 लोगों ने लिया, मैं बोला सॉरी दोस्त मैं सिगरेट नहीं पीता। बोले ठीक है भाई आपको नहीं पीना है। वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनको यूटिलिटी होगी, होगी, लेकिन भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे को यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो आप देखो टाइम हो रहा है इससे मैं रुक रहा हूँ, अगले लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द एक्चुअल टॉपिक, बिकॉज अभी सब बातें हो गई जो जरूरी थी, अब सीधा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग सो मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। डरने का नहीं, हम लोग ये सब चीज से बाहर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ एज फार एज माय लेक्चर इज कंसर्न, एंड देन द सेकंड लेक्चर विल स्टार्ट। उसके लिए आप दूसरा पासवर्ड यूज करोगे जो आपको मालूम है। तो सी यू एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर इट इज अनाउंस्ड। इफ इट इज 7 o'clock, इट विल स्टार्ट एट 7 o'clock। वी विल नेवर बी लेट, वी विल बी ऑन टाइम। सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड लेट्स सी और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye guys. Okay, fine. I'm ending the meeting for all.